ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था जो उन्होंने दिया हुआ था उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है और और साथ ही साथ में 1.5 बिलियन डॉलर की दो क्रेडिट लाइंस दी हैं एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल uh, few... उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्त तो नहीं है कोई उन्नीस बीस का फ़र्क होगा या श्रीलंका को बचाने के लिए सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुक अच्छे होते दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज होते हुए जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था ये जो बैंक की सिचुएशन है ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता तो था बात हो रही है पाकिस्तान मीडिया के द्वारा श्रीलंका का जो पेमेंट भारत के द्वारा किया गया है और चीन के चंगुल से इनडायरेक्टली बचाया गया है उसको लेकर आप वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे बात क्या हो रही है लेकिन मुझे एक बात को लेकर काफी मजा आया जो कि पाकिस्तान की एक मतलब बात हो रही है कि पाकिस्तान का अगर भारत दोस्त होता तो हमारे साथ भी ऐसी कुछ हेल्प होती तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो वीडियो को लाइक करिएगा मैं आपको के अंतिम भाग में मिलता श्रीलंका को फिफ्टी मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन परचेजेस फॉर डिफेंस ऑफर की गई थी और इसके अलावा यह कहा गया था एक कॉन्ट्रैक्ट यह हुआ था कि दोनों मुल्कों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी तो एक तरफ हम जहां कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लक़ हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं वो तो कुछ भी नहीं था कोई कम्पेरिज़न ही नहीं है कोई यानी मवजना करने की बात ही नहीं है ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया ने 900 मिलियन डॉलर एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है और, अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है कोई उन्नीस बीस का फ़र्क होगा शब्बर जैदी साहब बता ही चुके हैं कि बैंक करप्ट हो चुके हैं बैंक रपसी जो है वो चुकी है बताएं या ना बताएँ और फिर जो आई एम एफ़ का प्लान हमने जिस तरीके से लिया बल्कि अभी एक तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे उन्होंने क्या कहा उसमें उसमें उन्होंने कहा कि क्या करें जब आई एम एफ़ के पास जाते हैं तो फिर सिक्योरिटी जो है उसको फिर और वो तो हमने देख लिया कि जो सऊदी अरेबिया से हमने लिया थ्री टू फोर बिलियन डॉलर्स किन कंडीशंस पर हमें दिया गया आईएमएफ के प्लान को तो आप छोड़ी दिए उसकी बात किए लेते हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो थ्री टू फोर बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर उस पर उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंक हो जाएंगे फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंक हो जाएंगे अगर आपने ये नहीं किया तो अभी बैंक हो जाएगी तो बैंक करवा के ही छोड़ा उन्होंने एक तरफ हमारा बरदराना कंट्री एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है ये अशर करता है दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राम कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुक अच्छे होते दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है ये जो बहुत बुरी हालात है इकानमी की बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते खैर हमने देखिए हमने क्या मदद करनी है इंडिया एक बड़ी इकॉनमी एक बड़ी डेमोक्रेसी एक बड़ा मुल्क उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज़ पे करते रहते हैं हम तो बल्कि ये कहते हैं ना कि उनके दस तो हमारा एक हमारा तो एक भी दस के मुकाबले में जो है वो भारी है ये सब बातें होती हैं हवाई बातें होती हैं रियलिटी पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है और पाकिस्तान ने श्रीलंका को फिफ्टी मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन सपोर्ट जो है वो ऑफ़र किया था जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो थ्री टू फोर बिलियन डॉलर्स रिजर्व दे रहा है आईएमएफ प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा उन्होंने कहा क्या करें जब आईएमएफ से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो, तो फिर दाव पर लगती है फिर ये सब तो होता है यानी आप मुँह से कह रहे हैं या मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई व, 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 वो किया मुआयदा क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है थोड़ी सी स्ट्रेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं ट्रेवल भी करते हैं और आ, जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके हम आपको ये सारी सर्विसेज़ देना चाहते हैं अब ये जो क्रेडिट लाइन एक तरफ से क्रेडिट लाइन दूसरी तरफ नौ सौ बारह डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है ये अभी जो शंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजा पाक्सा उनको ये दोनों ऑफर की हैं ऊपर से आपको पता है कि श्रीलंका की जो ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड हुई है जिसमें इंडिया हेल्प आउट करना चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच उन्होंने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया सी 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 से टू सी सी और ये समझें कि एक और क्रेडिट रेटिंग आ, थी आ, जिसको जिसने भी जिसने भी जिसने भी श्रीलंका को और आ, आ, जो है इसका रैंकिंग कम की अक्सर हम पाकिस्तान के हवाले से भी सुनते हैं कि हमारी रेटिंग भी जो वो कम होगी फला अदारे ने कम कर दी ये कर दी वो कर दी अब आप देखें कि चाइनी इंडियन जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज को श्रीलंका के अंदर अच्छा दोनों ममालक की जो काम करने की जो जो कैपेसिटी है वो है यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहे तो देखिए एक तो इनका मेरी टाइम बॉर्डर भी मिलता है ठीक है जी और दूसरा यह है कि इंडिया और श्रीलंका जो है नेबली कंट्रीज भी हैं सिर्फ एक जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो पार्क स्ट्रेट है वो बीच में गुजरती है और दोनों ममालिक जो हैं वो साउथ एशिया में या फिर सार्क में भी हैं और ये दोनों जिस तरह मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है बेशक अगर प्राइमरली uh, मिलिटरी नहीं नहीं ली तो इकोनॉमिकली क्योंकि अब दोस्तों आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है उसकी अलहदा अलहदा कॉम्पोनेट्स आ गए हैं अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी मुल्क के लिए उतनी जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क कलेब्स कर जाएगा सो so, अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं So, ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो हैव बीन वर्किंग क्लोजली भले वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या फिर साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट एक प्रोग्राम है उसमें है फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसमें है फिर बिम्सटेक में है सो so, ये जो आ, आप ये समझ लें कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी आ, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक ने अपनी जैसे कहते हैं ना गुडविल जस्टिस भी दिए हैं और ये जो चीजें हैं बेसिकली दैट सीरियल इंडिया एन एज ओवर चाइना बिकॉज चाइना के बारे में एक ये है कि वो दैट हैज कम फ्रॉम नॉट दैट इज नॉट फ्रॉम द रीजन क्योंकि श्रीलंका जो है वो दैट इज नोन एज ए नेबर ऑफ uh, इंडिया uh, और जिस तरह जो श्रीलंकन्स हैं वो बार बार आते हैं इंडिया में काम करते हैं एडवांटेजेस लेते हैं चाइनीज के बारे में क्या है वो अच्छा वो वहां पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं लेकिन दैट इज नोन एज चाइनीज डेट ट्रैप अगर आप चाइनाज uh, uh, की जो पोर्ट्स देखे जिन पोर्ट्स को चाइनीज जो है वो फंडिंग कर रहे थे वो तो पूरे खत्ते में मैं देख रहा था उनकी के कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ वो दूसरी तरफ लैटिन उधर नॉर्थ अमेरिका में फिर अफ्रीका में फिर यूरोप में भी फिर मिडल ईस्ट में भी फिर जबूती में नीचे जो है वो मोजम्बीक में बहुत सारी जगहों पे इसी तरह श्रीलंका सिर, की जो हेम्बन टोटा जो पोर्ट थी ये भी तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी कि चीन की जिस तरीके से श्रीलंका में मतलब इतना ज्यादा हस्तक्षेप था इवन श्रीलंका का जो खम्बन टोटा पोर्ट था श्रीलंका ने लोन लिया हुआ था चाइना से और उस लोन को चुकाने में श्रीलंका पूरी तरह से रहा असमर्थ उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो उस वजह से जो मतलब ऑब्वियसली उसकी शर्तें थी कि भाई ये लोन नहीं चुका पाओगे आप या सही टाइम पे इसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे तो ये हम्बन टोटा पोर्ट सीधा का सीधा 99 इयर्स के लिए चला गया लीज पे चीन के पास आप समझ सकते हो हमारे अगर नीचे चीन ऊपर चीन पाकिस्तान तो चीन ही है बांग्लादेश में अगर चीन घुस आएगा तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा मौका था श्रीलंका की मदद करें चीन का इन्फ्लुएंस जितना कम हो सके श्रीलंका में करें आपको भी पता है कि इस तरीके की चीज़ें से हमें फ़ायदा होगा श्रीलंका वैसे भी हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है ज़्यादा कुछ हमारे उनके साथ कुछ विवाद नहीं है छोटे मोटे विवाद हैं उसके अलावा ज़्यादा कुछ विवाद नहीं है तो हमें अपनी फ्रेंडली कंट्री को फ्रेंडशिप को और स्ट्रॉन्ग करना है जितना हो सके और पाकिस्तान आप देख सकते हो उस वीडियो में बात हुई कि पाकिस्तान के साथ अगर श्रीलंका के अच्छे संबंध होते तो श्रीलंका की भी पाकिस्तान की तरह है? मतलब इसी तरीके से कुछ भारत श्रीलंका की जैसे मदद की है वैसे ही कुछ पाकिस्तान की भी करता तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल है डिस्प्यूट है अगर दो कंट्री के बीच वो भी कश्मीर पर जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान का गलत दावा है पाकिस्तान इतना उसके लिए युद्ध कर चुका है तो भारत बिल्कुल भी मदद नहीं करता पहली बात तो इतने बड़े डिस्प्यूट के बाद शायद ही फ्रेंडली माहौल हो सकते क्योंकि आपको भी पता है कि कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं उनका तो दिल्ली पर गजवाए हिंद और फलाना ठिकाना चलता रहता है तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं होता इवन बांग्लादेश के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध हैं क्योंकि हमारा उनके साथ इतना कोई लफड़ा नहीं है लेकिन वहाँ के लोग भी उतना ही हेट करते हैं हमने देखा है सोशल मीडिया में इवन बंगाल के तो आप लोग देखेंगे आप समझ जाएंगे बांग्लादेश में भी भारत के लिए बहुत हेट है और वो हेट सीधा सा रिलीजन वाला हेट है और वो हेट एकदम से नहीं आता है वो सदियों पुराना हेट है वो पता नहीं क्यों है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें बांग्लादेश में भी काफ़ी हेट है अभी बांग्लादेश में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा एक एक मुस्लिम ने कुरान रख दी थी कहाँ पर दुर्गा पंडाल में वो पकड़ भी गया मुस्लिम हालांकि उसके बाद उस मुस्लिम को डिक्लेयर कर दिया गया कि मैंटली मेंटली डिसऑर्डर उसके अंदर कुछ मेंटली मतलब मानसिक तौर तो पर वो ठीक नहीं था इस तरीके की कुछ बात आई थी हालांकि मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक था लेकिन उसके कारण इतने ज़्यादा दंगे हुए थे बांग्लादेश में अगर आपको याद होगा बांग्लादेश के हिंदू दंगे आप सर्च करें मतलब हिंदू को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बांग्लादेश में अब वो मीडिया में आती नहीं है बांग्लादेश की जो भाषा है बंगाली वो बंगाली लोग बस अच्छे से समझ सकते हैं बंगाली आपको बता देंगे जो बंगाली और हिंदी दोनों समझते हैं वो बता देंगे आपको समझ में आ जाएगा